आप देख रहे हैं दखल न्यूज। राहुल गांधी के रेप इन इंडिया बयान पर संसद में हंगामा, राहुल ने कहा माफी नहीं मांगूंगा। सिद्धू की पैरवी कर रही है प्रियंका गांधी, सिद्धू बनाए जा सकते हैं पंजाब के डिप्टी सीएम। नरोत्तम मिश्रा ने उठाया सवाल, कमलनाथ बताएं वो देश तोड़ने वालों के साथ या जोड़ने वालों के साथ। मौसम की मार से किसानों में हाहाकार, तेज बारिश और ओलावृष्टि से फसल हुई बर्बाद। माफिया को खत्म करने के लिए बड़ी रणनीति, 11 किस्म के माफियाओं पर होगा एक्शन। और अतिथि विद्वानों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, वादा नहीं निभा रही कांग्रेस सरकार। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। रेप इन इंडिया जैसे विवादित बयान पर बीजेपी ने संसद में राहुल गांधी को घेरा, उनसे माफी मांगने को कहा, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। महिला सांसदों ने राहुल गांधी के बयान पर जमकर हंगामा किया। राहुल गांधी ने झारखंड की एक रैली में कहा था कि मेक इन इंडिया के जगह भारत रेप इन इंडिया हो गया है। लोकसभा में शुक्रवार को राहुल गांधी के उस बयान पर हंगामा हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया की जगह भारत रेप इन इंडिया में तब्दील हो गया है, मोदी सरकार के राज में भारत रेप कैपिटल हो गया है। इस बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नेतृत्व में महिला सांसदों ने हंगामा किया और राहुल गांधी से माफी की मांग की। स्मृति ने कहा महिलाओं को राहुल ने बदनाम किया है, हर भाई और हर बेटा दुष्कर्मी नहीं होता। इस बीच भाजपा सांसदों ने भी कहा कि राहुल गांधी को ये क्या हो गया है, गांधी खानदान के सदस्य का ये कैसा बयान है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर से मांग की कि इस बयान के लिए राहुल को सजा मिलना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल का बयान शर्मिंदा करने वाला है। इस मुद्दे पर राज्यसभा में भी हंगामा हुआ और कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ी। हालांकि राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि भाजपा आसाम में फैली हिंसा से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रही है। पहले सुनिए राहुल ने क्या कहा था। देखिए, जहां भी आप देखो देश में नरेंद्र मोदी ने कहा था मेक इन इंडिया, कहा था ना। अब आप जहां भी देखो मेक इन इंडिया नहीं भैया, अब है रेप इन इंडिया। रेप इन इंडिया जहां भी देखो, अखबार खोलो, झारखंड में महिला पर बलात्कार, उत्तर प्रदेश में देखो नरेंद्र मोदी के एमएलए ने महिला का रेप किया, उसके बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलता। हर प्रदेश में हर रोज रेप इन इंडिया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मोदी जी आपने ये नहीं बताया किससे बचाना है, बीजेपी के एमएलए से बचाना है। और ये देश को बांटते हैं दिन भर 24 घंटे, ये देश को बांटने का काम करते हैं दिन भर 24 घंटे, इनका यही काम है। एक जात को दूसरी जात से लड़ाएंगे, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाएंगे, एक धन को दूसरे धन से लड़ाएंगे, हिंदुस्तान को तोड़ने का बांटने का काम करेंगे 24 घंटा। और फिर पूरा पैसा अदानी अंबानी। राज्यसभा में भी सदस्यों ने नारे लगाए कि राहुल गांधी माफी मांगे। इस पर सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कृपया उस व्यक्ति का नाम ना लें जो इस सदन का सदस्य नहीं है। लोकसभा में स्मृति ईरानी ने कहा कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई नेता ये कह रहा है कि भारतीय महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाना चाहिए। क्या यह राहुल गांधी का देश के लोगों के लिए संदेश है? शुक्रवार को संसद के मौजूदा सत्र का आखिरी दिन है। यह राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गांधी खानदान का एक बेटा सरेआम कहता हो आओ हिंदुस्तान में बलात्कार करो। आज मैं अध्यक्ष जी आपसे पूछना चाहती हूँ, इस सदन के नेता है राहुल गांधी, इस सदन के सांसद हैं, क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है
पहली बार ये हिमाकत कर रहा है कि हिंदुस्तान की औरतों के बारे में उनका बलात्कार होना चाहिए, ऐसे शब्द उसके मुंह से निकल रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की पंजाब कैबिनेट में वापसी हो सकती है और उन्हें पंजाब का उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सिद्धू की वापसी के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रयास कर रही हैं। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधायक आरिफ मसूद के कैब पर दिए बयान पर कहा कि कांग्रेस देश में लोगों को भड़काने का कार्य कर रही है। नागरिकता बिल लोगों को नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी स्पष्ट करना चाहिए कि वो देश तोड़ने वालों के साथ है या जोड़ने वालों के साथ। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के बयान पर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस बिना सोचे समझे कैब पर प्रतिक्रिया दे रही है। कांग्रेस देश में लोगों को भड़काने का काम कर रही है। कांग्रेस के लोगों द्वारा बिल को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कैब नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं। ऐसे में मुख्यमंत्री कमलनाथ को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे देश तोड़ने वालों के साथ हैं या देश जोड़ने वालों के साथ। उसकी भावना नागरिकता देने की है, नागरिकता समाप्त करने की नहीं है। कांग्रेस के लोग पूरे देश के अंदर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, देश के अंदर विवाद पैदा करने की स्थिति कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, जो अच्छी नहीं है। संगठन के मुखिया होने के नाते माननीय कमलनाथ जी को सोचना चाहिए और बताना भी चाहिए, कहना भी चाहिए कि वो देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ है या देश जोड़ने वाली ताकतों के साथ। इससे पहले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस बिल का विरोध किया और कहा ये देश हित में नहीं है। मसूद ने कहा था कि अगर मध्य प्रदेश सरकार इस बिल का समर्थन करेगी तो वे विधानसभा सदस्यता छोड़ देंगे। ममता बनर्जी ने जिस तरह साहस दिखाया है, हमारी सरकार भी वो साहस दिखाए और कैब और एनआरसी को रिजेक्ट करे, और अगर ये लोग इस कानून को मानेंगे तो मैं उस असेंबली का मेंबर नहीं रहूंगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ के छिंदवाड़ा के एक स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज न फहराए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में टीचर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें टीचर कह रही है सरकार तो पागल है, कुछ भी नियम निकालती है। मुख्यमंत्री के गृह जिले छिंदवाड़ा में शिक्षा विभाग के हाल बेहाल हैं। छिंदवाड़ा से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम खकरा चौरा स्कूल का मामला सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां की शिक्षिका का कहना है सरकार तो पागल है, कुछ भी नियम निकालती है। शाला में रोजाना राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर टीचर का यह नजरिया है। दरअसल शासकीय माध्यमिक शाला खड़का चौराई में रोजाना राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाता। इस संबंध में जब वहां पदस्थ शिक्षिका रश्मि बरकड़े से जानकारी ली गई तो उन्होंने इस नियम के लिए सरकार को ही कोसना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि सरकार तो पागल है, कुछ भी नियम निकालती है। हालांकि बाद में उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि कक्षा 8वीं से 12वीं तक शाला में राष्ट्रीय ध्वज फहराना अनिवार्य है। नहीं तो फिर लगाने वाला पाइप है कि इसी को यहीं से लगा दो, वहीं डायरेक्ट डाल दो, ऐसा भी सिस्टम होता है। हमारे यहाँ नहीं, उसको यहाँ बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे। हमने भी संस्कृत प्रचार से बात करें पंचायत का है तो वो बोलते हैं कि भाई नियम तो बोले पहली से बारहवीं तक है ना भैया, पहली से नहीं, अब मिडिल से लेकर बारहवीं तक है, पहली से प्राइमरी लगती, पहली से पांचवी तक नहीं फहरता झंडा। उन्होंने आप ये बात याद रखिए। नहीं वो तो हम याद रख लेंगे। हाँ। वो तो हमको नॉलेज भी नहीं है, सिर्फ हमको इतना नॉलेज था ये झंडा फहर माध्यमिक शाला में झंडा फहराना अनिवार्य अनिवार्य है। तो हमने संकुल प्रचार से भाई एक बार कन्फर्म करें
भाई जानकारी हमारे नॉलेज में सही है पूछिए आप, झंडा फहरता है भाई बराबर। अब कभी कभी हो जाता है ना, बच्चे नहीं आए दूसरे को नहीं, अगर सपोज दैट कोई गिर गया, सिर फूट गए, क्या करोगे? और वहाँ पूरा पत्थर पत्थर लगा है नीचे, बहुत बड़ी समस्या है। हम भी कुछ नहीं कर सकते ना, सरकार पागल जैसे ही हम निकालते हैं कुछ भी झूठ पटा। टीचर रश्मि बरकड़े का कहना है कोई झंडा फहराने उतारने वाला नहीं है और बच्चों से ऐसा नहीं करवाया जा सकता क्योंकि दुर्घटना का डर बना रहता है। राज्य शासन ने निर्णय लिया कि प्रदेश के सभी माध्यमिक हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रतिदिन अनिवार्य रूप से राष्ट्रध्वज फहराया जाएगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश भी जारी कर दिए। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े से बात करने के लिए उनके दफ्तर गए तो वे ऑफिस से नदारद मिले। दूरभाष से बात करना चाहा तो उन्होंने फोन रिसीव करना उचित नहीं समझा। बेमौसम बारिश की वजह से कृषि मंडी में खुले में पड़ी हजारों क्विंटल धान खराब हो गई। कृषि मंडी में धान बेचने आए किसानों की धान खुले में पड़े होने के कारण बर्बाद हो गई। किसानों की धान कब खरीदी जाएगी इसका कोई समय नहीं है, जिससे मंडियों में किसान अपनी धान लेकर बैठे हुए हैं। होशंगाबाद में हुई बेमौसम बारिश ने कृषि उपज मंडी में खुले में पड़ा हजारों क्विंटल धान गीला कर दिया। खरीदी नहीं होने के कारण जिले भर की कृषि मंडियों में हजारों क्विंटल धान खुले में पड़ा है। हालत यह हुई है कि जगह नहीं होने के कारण मंडियों में खरीदी बंद कर दी गई है। धान बेचने आए किसान अपनी ट्रॉली लेकर रात से मंडी में ही नहीं आ रहे हैं। उनकी धान कब खरीदी जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। रात से आए हैं तो रात को भी मच्छरों ने परेशान किए बहुत ज़्यादा, और अब आए हैं तो कोई व्यक्ति भी नहीं आया, और सुबह से बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, धान भीज गई है 10%। अब कितना माल होगा? 3-4 हज़ार क्विंटल माल होगा, बहुत सारे कट्टे भीग रहे हैं। कोई उसको ढकने की कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है ढकने की, कोई सब परेशानी है। पानी गिर रहा था किसानों को, क्यों कोई अधिकारी मंडी तरफ से कोई तिरपाल वगैरह कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे तैसे किसान ढांक रहा अपनी धान, जो भी व्यवस्था हो रही है कि 10-12 ट्राली हैं। और बाहर जो खुले में है, जो बाहर तोला हुआ माल है वो होगा 3-4 हज़ार बोरे करीब, वो सब पानी में पड़ा है। गौरतलब है कि 2 दिसंबर से जिले भर में समितियों के 24 केंद्रों के जरिए समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। बुधवार तक केंद्रों पर 33,000 क्विंटल धान खरीदा गया, जिसके बाद परिवहन नहीं होने के कारण खरीदी बंद करनी पड़ी। खरीदा गया धान खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है, सुबह हुई बारिश में वह भी गीला हो गया। खरीदी बंद होने के कारण किसान धान से भरी ट्रॉलियां लेकर मंडी में ही डेरा डाले हुए हैं। रीवा में अचानक हुई तेज बारिश से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। विंध्य इलाके में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। वहीं दूसरी ओर आकाशीय बिजली गिरने से 10 मवेशियों की मौत हो गई है, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। रीवा के कई क्षेत्रों में लगातार घंटों बारिश हुई और बड़ी मात्रा में ओले गिरे, जिसकी वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं बिरसिंहपुर तहसील के हिनौता गांव में आकाशीय बिजली गिरने से बरगद के पेड़ के नीचे बंधी 5 भैंसें और 5 गायों की मौत हो गई है। बारिश के बावजूद रेलवे बोर्ड के खिलाफ बैठे किसानों ने अपना अनिश्चितकालीन अनशन जारी रखा है। किसानों ने आरोप लगाया है कि रेलवे बोर्ड द्वारा उनके साथ विश्वासघात किया गया है और जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी वे अनशन पर बैठे रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। यूरिया और कर्ज माफी न होने से परेशान किसान को अब कुदरत की नई आफत का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में हुई तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि ने किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। प्रशासन ने किसानों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। नरसिंहपुर में हुई तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि ने किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। अचानक मौसम के बिगड़े मिजाज के कारण नरसिंहपुर में कई गाँव में रबी की फसल के साथ साथ अन्य खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण सड़कों से लेकर खेतों में बर्फ बिछ गई है, जिससे किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं। इस बेमौसम बारिश ने किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। पहले से ही यूरिया और कर्ज माफी न होने से परेशान किसान को अब नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
स्थानीय विधायक संजय शर्मा और जिला कलेक्टर ने इलाके का दौरा किया और मौसम की मार से बर्बाद हुई फसल का आकलन किया, साथ ही साथ किसानों को हर संभव मदद करने की बात कही। अलोहा, खैरी, भैंसा, अट्ठाईसा, लिलवानी, गुनवे, इन गांवों में तो 100% रबी की फसल नष्ट हो गई है। बहुत तेज मात्रा में आंधी हुई है, गन्ने की फसल को भी नुकसान है। कुछ किसानों के जानवर भी खत्म हो गए हैं, पेड़ गिरने से मकान गिर गए हैं, वो किसानों की फसल का नुकसान हुआ। ऐसा सर्वे करा कर 15 नुकसान दिलाई जाएगी, जो बोनी करेंगे उनके लिए खाद और बीज की व्यवस्था कराई जाएगी। वो गरीब मजदूर जो बेघर हो गए उनको सबको अनाज की व्यवस्था खाने कराई जा रही है। अभी जो मैं देख के आया हूँ रास्ते में गेहूँ के और चने के खेत मैंने देखे हैं, गेहूँ चना और आधार में नुकसानी प्रथम दृष्टया दिख रही है। हमारी टीमें आएंगी कल परसों से 2-3 दिन बाद हम टीमें लगाएंगे जो कि पूरा क्षेत्र का सर्वे करके और जो मुआवजा संभव होगा ज़्यादा से ज़्यादा उतना मुआवजा दिलाने की लोग कोशिश करेंगे। सरकार पंचायत सचिवों के बैठने के लिए कार्यालय में लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन पंचायत सचिवों को इसकी परवाह नहीं। कार्यालय में सचिव मिल जाए तो ये आपकी किस्मत है। हरदा जिले के ग्राम पंचायत मंगरूल में तो महीनों तक पंचायत भवन के ताले ही नहीं खुलते, या यूं कहें कि पंचायत भवन में पंचायती राज व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हरदा में लाखों रुपए खर्च कर गांव में रहने के लिए पंचायत सचिवों के लिए कार्यालय बनाए गए हैं। इन कार्यालय पर हमेशा ताले लटके रहते हैं। सरकार द्वारा गांव के लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए विभिन्न तरीकों से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी इसे नजरअंदाज कर खुले तौर पर मौज उड़ा रहे हैं। हरदा जिले के ग्राम पंचायत मांगरूल में महीनों तक पंचायत भवन नहीं खुलता, जिसकी वजह से विकास कार्य पिछड़ता जा रहा है। सचिव के न आने को लेकर जनपद सीईओ का कहना है कि इसकी जांच करवाई जा रही है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। कि आपने अभी मांगरूल पंचायत के बारे में बताया मुझे, तो इसके लिए हम एक बार हमारी अपनी जनपद की टीम को भेज देंगे वहाँ पर जी। क्या वास्तविकता है, वो सचिव क्यों नहीं आया पहुँचा है पंचायत में और क्यों गंदगी हो रही है, तो उसकी हम कार्रवाई करें। शासकीय स्कूल है वहाँ पे, क्या आप बता रहे हैं कि वहाँ गंदगी पड़ी हुई है काफ़ी टाइम से, तो वो सफाई क्यों नहीं करवा पा रहा है, वो सफाई कर्मी नहीं आ रहा है, तो ये दिखवा लेते हैं। सड़कों पर बहता नाली का गंदा पानी केंद्र एवं प्रदेश सरकार की स्वच्छ भारत अभियान को मुंह चिढ़ाता नजर आ रहा है। सड़कों का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे तमाम संक्रमित बीमारियां क्षेत्र में पांव पसार रही हैं। स्कूल के समीप सड़क पर कचरे कूड़े का ढेर लग गया है, जिससे स्कूली बच्चों को वहां से निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। पौधारोपण में सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन ग्राम पंचायत भवन पर लगाए गए पेड़ पौधे भी जीवित नहीं है, पौधे देखरेख के अभाव में सूख चुके हैं। कमलनाथ सरकार के ऑपरेशन क्लीन का दायरा बढ़ाने के मुख्यमंत्री के फैसले के तत्काल बाद इंदौर में भी माफिया के खिलाफ कार्रवाई का एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी ने शाम को ही प्रमुख विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाई। उन्होंने इंदौर में 11 तरह के माफिया राज के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा, जिनसे आम जनता और ईमानदारी से कारोबार करने वाले त्रस्त हैं। मीटिंग खत्म होते ही पुलिस ने परदेशीपुरा, रावजी बाजार, पलासिया, MIG थाना क्षेत्रों में सक्रिय माफिया को चिन्हित करते हुए प्रारंभिक सूची तैयार की है।
एक युवती की रेलवे ब्रिज से नीचे गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवती परिजनों के साथ रेलवे ब्रिज के ऊपर से जा रही थी, तभी अचानक ट्रेन की धमक से युवती नीचे गिर गई और उसके सिर पे चोट आई। युवती को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नरसिंहपुर के बकासपुर मार्ग स्थित रेलवे ब्रिज से एक युवती नीचे गिर गई जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका का नाम नगमा बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर प्रकरण को जांच में ले लिया है। बताया जा रहा है कि युवती अपने परिजनों के साथ रेलवे ब्रिज के ऊपर से लाइन किनारे जा रही थी। इसी दौरान एक ट्रेन निकली तो युवती को उसकी धमक लगी और वह ब्रिज के नीचे गिर गई। नीचे गिरने से युवती के सिर पर गंभीर चोटें आईं जिसके बाद युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। कॉलेज जाती थी, कॉलेज से लौटते वक्त रेलवे ट्रैक से निकल रही थी, सामने से ट्रेन आ रही थी, उसी वक्त किसी ने आवाज़ दिया तो उसका बैलेंस बिगड़ गया और पुल के पास नीचे गिर पड़ी। हेड इंजरी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। मर्ग कायम करके जाँच में ले लिया गया है, जैसे फैक्ट्स आएंगे देखेंगे। कांग्रेस के चुनावी वचन पत्र को याद दिलाते हुए अतिथि विद्वानों ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अतिथि विद्वानों का कहना है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में वचन दिया था कि उनको नियमित किया जाएगा, लेकिन अब तक नियमितीकरण को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर के आने के बाद अतिथि विद्वानों को अब कॉलेज से भी निकाला जा रहा है। मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वानों ने भोपाल के शाहजानी पार्क में कमलनाथ सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अतिथि विद्वान नियमितीकरण की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। धरना दे रहे 21 अतिथि विद्वानों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। अतिथि विद्वान सामूहिक रूप से मुंडन कराकर अपना विरोध भी दर्ज कराएंगे। अतिथि विद्वानों ने कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि सरकार बनाने से पहले कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा था कि उनकी सरकार आने पर अतिथि विद्वानों को नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन जब लोक सेवा आयोग के जरिए चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर पद ग्रहण करने पहुंच रहे हैं तो उन्हें कॉलेज से निकाला जा रहा है। हम लोग नेट फ्लेट पीएडी सब कुछ है। इन्होंने हमें वचन दिया था कि हम 52 लोगों जिसमें कीड़ाधिकारी ग्रंथपाल और सिंपल पीजी वाले उनको हम 3 का समय देंगे, 4 का समय देंगे, आप यूजीसी योग्यता पूरी करें। इसके पहले भी 2004-05 में सिर्फ सिंपल पीजी वालों को प्रोफेसर बनाया जा चुका है। हर तरीके से हम इनसे एडजस्ट करने के लिए तैयार थे, लेकिन आदरणीय ने अभी 12 अक्टूबर को हमारे धरने स्थल पर आके बोला था कि आप लोग भी थे वहाँ पे, सभी लोग क्या बोला था, यही कि मीडिया हमारे सामने, हम इनके सामने झूठ कैसे बोल सकते हैं, कैमरे में सब कुछ कैद हो रहा है, लेकिन वो कैमरा सब कुछ उनका पता ही नहीं चला, वो कहाँ गए भाषण। कि पहले हम अतिथि दोनों का नियमितीकरण करेंगे, उसके बाद हम व्यापम 2 वालों को ज्वाइनिंग देंगे। कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले हमको वचन दिया था अपने वचन पत्र क्रमांक 17/22 में कि सत्ता में आने पर हम आपका नियमितीकरण करेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद ही अपने वादों को भूल गई और उल्टा इसने जो व्यापम 2 पीएससी चिन्हित वाले जो थे उनकी जांच कराने के लिए कोई भी स्वतंत्र एजेंसी का गठन नहीं किया, उनको नियुक्ति प्रदान की जा रही है। वर्तमान में 833 और 124 लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं, जिससे कि इतने ही अतिथि विद्वान जो है सड़कों पर आ चुके हैं। इस सरकार को ये समझना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि बीच सत्र में अतिथि विद्वानों के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनकी फीस भर रहे हैं, अब वो कहाँ जाएंगे, दूसरे स्कूलों में उनको एडमिशन कराने के उनके पास पैसा नहीं है, मकान किराए पर कहाँ लेंगे। अगर इनको पीएससी वालों को नियुक्ति ही देनी थी बगैर जांच कराए, तो जो ये कह रहे हैं कि हम 2300 पद स्वीकृत कर रहे हैं तो उन 2300 पदों पर देनी चाहिए थी। हमको ऐसा लगता है कि ये प्रदेश की सरकार अतिथिवानों के लिए दुराग्रह से ग्रसित है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे अमेरिका के नेवादा में लिया गया था। यहाँ काऊ बॉय हेड पहने कबूतर अचानक से दिखने लगे हैं जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। कोई है जो यहाँ के कबूतरों को काऊ बॉय हेड पहना रहा है, मगर वह शख्स कौन है या ऐसा क्यों कर रहा है यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। हेड पहने इन कबूतरों को दाना चुगते हुए देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हेड पहने कबूतरों को देखे जाने का मामला पहली बार 5 दिसंबर को सामने आया था। लॉस वेगास के रहने वाले बॉबी ली ने 2 कबूतरों को काउबॉय हैट पहने हुए देखा। इस बात ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। एक कबूतर ने ग्रे रंग की और दूसरे ने लाल रंग की हैट पहनी हुई थी। ली ने तुरंत हैट पहने कबूतरों का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अपलोड कर दिया। यह वीडियो देखते ही देखते तेजी से वायरल हो रहा है। अगले दिन हर कोई काउबॉय हैट पहने कबूतरों की चर्चा कर रहा था। इतना ही नहीं, ली के पास कई एजेंसियों से फोन आने लगे जो उसके वीडियो का लाइसेंस लेना चाहती थी। वीडियो के वायरल होते ही अखबारों, ऑनलाइन न्यूज साइट्स पर भी इसकी खबर दिखाई जाने लगी, जिसमें कहा गया कि
काउबॉय हैट पहने रहस्यमय कबूतर लॉस वेगास पे घूम रहे हैं। वे इन कबूतरों का एकमात्र लिंक रेगुलर नेशनल रेडियो फाइनल से जुड़ रहा था जो उस समय शहर में हो रहे थे, मगर पेशेवर रेडियो काउबॉयज एसोसिएशन ने इस तरह के स्टंट में किसी भी तरह से शामिल होने की बात से इनकार कर दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में।